उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में पहुंची यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह आज जनपद बागपत पहुंची थी। सुषमा सिंह जन स्वास्थ्य केंद्रों की साफ सफाई की व्यवस्था और महिलाओं और लड़कियों की टीकाकरण को लेकर उनकी समस्याओं को लेकर निरीक्षण करने के लिए जनपद में पहुंची थी। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सुषमा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी के बयान पर बोलते हुए कहा कि जो टेक्नोलॉजी हो या महिलाओं को रोकने के लिए हो, मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ, व्यक्तिगत भी नहीं करती हूँ और आयोग भी इस प्रकार के बयान का समर्थन नहीं करता। आयोग और मैं स्वयं महिलाओं को पुरुषों को समान अधिकार के काम करने वाले रूप में देख हूं। आप धूप में निकलिए तो जैसे बोलते हैं स्किन टैनिंग होती है, लेकिन धूप में नहीं जाओ तो विटामिन डी की भी कमी होती है, उसे भी घुटने नहीं काम करते हैं। तो महिला हो या पुरुष हो, आज का समय ऐसा आ गया कि छोटे परिवार हैं, एक बेटा एक बेटी सब रखना चाहते हैं, सब अपने बेटे बेटियों को समान रूप से पालते हैं, तो इस प्रकार का भेदभाव जो है परिवार भी नहीं करता है, समाज भी नहीं करता है और सामाजिक दायरे में भी अधिकार जो है महिलाओं और पुरुषों को सम्मान है। और खुद आदरणीय योगी जी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति इतने सजग हैं दिख रहा है और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से वो महिलाओं के किसी भी मुद्दे को लेते हैं और मिशन शक्ति का हमारा उदाहरण है। आज तक किसी भी प्रदेश में इतनी सजगता से किसी भी मुख्यमंत्री जी द्वारा महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के पैमानों के लेके काम नहीं किया गया है और अब टीकाकरण को भी इतनी गंभीरता से लेते हुए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफ़ी है, उसमें महिलाओं और बच्चियों की का भी जो एक परसेंटेज है वो काफ़ी है, लेकिन फिर भी जिलों में पिंक बूथ बनाना, पिंक टॉयलेट बनाना, हर थाने में चौकी बनाना, ये चीज़ें इतनी प्राथमिकता से करना, ये अपने आप में एक उनके उद्देश्य को दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति, नारी के प्रति, बालिकाओं के प्रति वो कितने सुरक्षा को लेके, उनके सम्मान को लेके वो कितने सजग हैं और कहीं ना कहीं वो पुरुषों से ज़्यादा उनको अहमियत दे रहे हैं, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। ये कुछ ऐसा है जो हम सब देख रहे हैं, फील्ड में महसूस कर रहे हैं और उसको जी रहे हैं, तो आपके सामने हैं। और नारी तो जननी है, हमारी भारत माता को भी माँ ही का दर्जा दिया गया है, तो सभी प्रकार के अधिकार महिला हो या पुरुष हो दोनों को बराबर रूप से दिखे। मेरा विजन है आज मोबाइल है। आप कहीं जा रहे हैं, रोड मैप को देख रहे हैं, गूगल मैप है वो मोबाइल है आपको, आप एक अपने घर से बाहर हैं तो आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो मोबाइल है। सिर्फ एक ये मुद्दा आता है कि अगर बच्चा 18 साल से छोटा है तो घर में माता पिता की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों पे वो थोड़ा सा नज़र रखें, उनको समय समय पे समझाते रहें। और केवल लड़कियों के लिए ये बात कहना, मेरा ये मानना है मोबाइल हो या कोई भी एप्लीकेशन हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का यूज़ पॉजिटिव में करेंगे तो वो एक अच्छा रिजल्ट देता है और उसको नेगेटिव में करेंगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। लेकिन सिर्फ लड़कियों को या लड़कों में इस तरीके से विभाजन करके कोई बात होती है तो नहीं, लड़कियों को पूरा अधिकार है, दिन में जाएं बाहर रात में जाएं, सरकार का और प्रशासन का और हम जैसे लोगों को ये बात सुचारू रूप से देखनी है कि हम उनको सुरक्षा प्रदान करें। बाकी जो हैं इस प्रकार की हैं जो घटनाएँ होती हैं उनको इस प्रकार से जोड़ने का कोई कारण बनता नहीं है। लड़कियों को पूरा अधिकार है कि वो अपने डिसीजंस लें, वो क्या पढ़ना चाहती हैं, क्या नौकरी करना चाहती हैं, वो क्या काम करना चाहती हैं और समाज में वो किस तरीके से समाज में अपना नाम रोशन करना चाहती हैं। तो लड़कियों को पुरुषों के बराबर पूरा अधिकार है।